गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं, अब वहां पर राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह ने कहा है कि सीएए किसी भी हाल में हम लागू कर रहेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि संसद में बिल तो लाइए। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी खींचिए, भारत माता की। फिर सीए पर सियासी घमासान, सीए का चिन्ह फिर से निकला है और सियासत की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से, जहां गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर। दौरे के पहले ही दिन गृह मंत्री ने सीए पर बयान दिया। ममता के गढ़ सिलीगुड़ी में रैली के दौरान शाह ने ऐलान कर दिया कि सीए था, है और हकीकत भी बनेगा, बस कोरोना काल के खत्म होने का इंतजार है। सीए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। सीए पर गृह मंत्री का बयान आते ही ममता ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बगैर देरी किए शाह के बयान को लेकर पलटवार कर दिया, कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ लोगों को भरमा रही है। ममता ने पूछा कि सरकार संसद में बिल क्यों नहीं पेश करती। देखिए, दिस इज देयर टाइम, and why they are asking me, they should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one side. It is both sided. ममता सरकार पहले से सीए के खिलाफ रही है। 27 जनवरी 2020 को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया था। टीएमसी का आरोप है कि सीए देश के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए है। अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर फिर ममता सरकार ने वही बागी अंदाज दिखा दिया है। वैसे सीए पर सियासी अदावत से हटकर भी गृह मंत्री शाह ने ममता सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कटमनी और हिंसा का राज, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसे लेकर भी ममता का पलटवार हुआ। आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, यहाँ पर जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज चल रहा है। बयानबाजी चलते हैं, घर से ईडी को ऑपरेट करते हैं, सीबीआई को ऑपरेट करते हैं, इनकम टैक्स को ऑपरेट करते हैं, और जो भी गंदा काम है उसको ऑपरेट करते हैं, और राज्यों में कैसे आग लगे इसको फिर लेने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है, उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है। हम देश को एकता बनाने के लिए, एकता करके रखने चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक हमारा वक्तव्य है, और उसका वक्तव्य है सब तोड़ दो, फाड़ दो, आग जला दो। वी डोंट एक्सेप्ट दिस। ममता सरकार और केंद्र के बीच मुद्दों पर तनातनी नया नहीं है। अब एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है, ममता और बीजेपी की सियासी अदावत के बीच। आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में अहम कार्यक्रम है। कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय का है। न्योता राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी है, लेकिन मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब इस मसले पर भी सियासत तेज होने की उम्मीद है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।